नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्य वंश की, भाग एक हमने डाल दिया था और आज बात करते हैं भाग दो की। देखो हमने बात कर ली थी यानी कि जो ये मौर्य वंश है उसके हिसाब से हमने नंद वंश की भी बात की थी, साथ साथ कि नंद वंश है, इस जो नंद वंश है इसका संस्थापक था महापदम नंद। महापदम नंद ये नंद वंश का शासक था, संस्थापक शासक। और इसी के बाद में जो बाद में आगे चल के एक उपशासक और आया था जिसका नाम था दनानंद। इस दनानंद से हम जोड़ की बातें कर रहे थे, दनानंद की हमने बात कर ली थी, इसके अलावा हमने गांधार की बात कर ली थी, मगध की बात कर ली थी, मगध के अलावा हमने चाणक्य, चाणक्य भी टॉपिक की बात कर रहे थे, ये हम बातें कर रहे थे। उस हिसाब से हम एक तरफ बात कर रहे थे सिकंदर की, तो सारी बातें साथ लेके चलनी है। और हम यहां तक बात कर रहे थे कि इस वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य आया कहां से। अब देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य दनानंद से मिलकर जंगल की तरफ से आ रहा था, रास्ते में एक जंगल मिलता है और एक शिकारी के पास 10-15 गुलाम बच्चे रहते हैं, उस गुलाम बच्चों में से एक बच्चा जो छुटवा के लाता है, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को ये चाणक्य यहां से गुलामी से छुटवा के लाता है। वो कहां लेके आता है, तक्षशिला। अब तक्षशिला में इसकी शिक्षक का शिक्षा के लिए 16 वर्ष का उस समय था, उस समय इसका एडमिशन करवाता है और 8 वर्ष की इसकी शिक्षा हो जाती है और 24 वर्ष का ये हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें थे किस प्रकार से कहां से आया, वहां से देखो एक वंश था नंद वंश से पहले एक वंश चला करता था, उसका नाम था सूंग वंश। इस सूंग वंश के जो शासक थे उसके यहां चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी, सामंत का काम किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, देखो ये जो महापदम नंद है, ये जो नंद वंश का शासक है, ये सूंग वंश के यहां शूद्रवर्ण में रहता था और ये शूद्रवर्ण का ही था। और एक दिन क्या किया, महापदम नंद ने सूंग वंश के शासकों को मार दिया, क्योंकि सूंग वंश के शासक क्षत्रिय थे और ये था शूद्रवर्ण का, ये अपने यहां शासकों के साथ रहकर अपनी क्रिटी फील किया करता था, इसलिए इसने क्षत्रियों को मार दिया। और इसी महापदम नंद या नंद वंश के शासकों ने क्या किया, एक अभियान चलाया कि इस अभियान में जो भी बच्चा क्षत्रिय दिखता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्षत्रिय कुल का कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या कर देते थे, मार देते थे। इस दृश्य चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुर्रा, और चंद्रगुप्त मौर्य का मामा, ये दोनों मामा और माता मुर्रा, इन दोनों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहां आ जाता है, जंगल में आ जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जंगल से ही कौन लेके आता है, चाणक्य लेके आता है किसे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बातें थी, मैं एक बार देख लेना, सूंग वंश का शासन था, सूंग वंश के यहां महापदम नंद शूद्रवर्ण में थे और सूंग वंश के यहां काम किया करते थे। देखो शूद्र वंश के वो व्यक्ति होते हैं दासी पुत्र, ये दासी पुत्र कहलाते थे, और यहां सूंग वंश में सामंत का काम किया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी, ये सामंत हुआ करते थे, ये हुआ करते थे क्षत्रिय। अब देखो एक बार महापदम नंद ने सूंग वंश के शासकों को मार दिया और एक अभियान चलाया जिसमें क्षत्रिय कोई भी व्यक्ति हो सबको मारना है, और अपनी माता मुर्रा और मामा के साथ होकर ये कहां चले जाते हैं, जंगल में। अब जंगल के जब चाणक्य दनानंद से उस सिकंदर महान के बारे में बात करने के लिए जाते हैं, उस समय आते वक्त इसको क्या करके आते हैं, गुलाम वंशी शासक को छुड़वा के लाता है, तक्षशिला में इसकी शिक्षा दीक्षा कार्य करवाते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं थोड़ी सी, देखो मैंने बताया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अब देखो कुछ ग्रंथ क्या कहती है, जैन बौद्ध और यूनान ग्रंथों में, चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया,
चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है और ब्राह्मण ग्रंथों में इसे शूद्र कहा गया है। और एक शासक विशाखदत्त हुआ करते थे। विशाखदत्त की एक रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इसे वर्षण कुल का कहा गया है। वर्षण कुल, और दोस्तों वर्षण कुल का मतलब होता है निम्न जाति का, निम्न जाति का है, निम्न द्रव का वर्षण कुल का मतलब होता है। और मुद्रा राक्षस में इसे वर्षण कुल का बताया गया है। देखो हाँ, विशाखदत्त की मैंने बताई कि विशाखदत्त की एक रचना है, मैंने बताया कि मुद्रा राक्षस रचना में वर्षण कुल का बताया गया है। वर्षण कुल का मतलब होता है निम्न कुल का। देखो हम एक विद्यालय की ओर बात कर रहे हैं, तक्षशिला की शिक्षा का केंद्र है तक्षशिला। देखो जैन धर्म की जो शिक्षा की तीर्थ स्थली है ये तक्षशिला को कहा जाता है। देखो तक्षशिला का निर्माण किसने करवाया था? एक भरत नामक शासक हुआ करता था पहले। भरत नामक शासक हुआ करता था, भरत ने ही तक्षशिला की स्थापना की थी। और भरत का एक पुत्र था जिसका नाम था तक्ष, और इसी तक्ष के कारण ही विद्यालय का नाम क्या पड़ा था? तक्षशिला। ये गांधार जनपद में है और यहाँ चाणक्य अध्यापक पद पर कार्यरत थे। इस पे थे अध्यापक पद पे। देखो इसी अध्यापक के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य का वंश शुरू होता है। इसी के कारण चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की स्थापना होती है। और इसी तक्षशिला को बारहवीं शताब्दी में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था बुक्तियार खिलजी। इसी बुक्तियार खिलजी ने बारहवीं शताब्दी में तक्षशिला को जलाकर क्या कर दिया था? राख कर दिया था। और जिस प्रकार से बातें कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। और इसके आगे की बात दोस्तों हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और अपने चैनल को देखते तो हो आप, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।